हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग येट अनदर न्यू चैप्टर फॉर क्लास टेन दैट इज चैप्टर नंबर सेवन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी तो आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं दैट इज हाउ डू बेस एस डेमोक्रेसीज़ आउटकम उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिवनेस एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट इकॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिडक्शन ऑफ इन इक्वालिटी पॉवर्टी एकॉमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटेशन ये सारे टॉपिक हमें आज के सेशन में कवर करना है तो so, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करता है तो so, बच्चों लोग आप लोगों को एक चीज़ तो यहाँ तक अभी तक समझ गई होगी कि हम लोग जितनी भी चीजें अभी तक क्लास सिक्स से पढ़ते आए हैं तो हमें ये समझ तो गया है कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर हम इसे किसी और एक्सट्रीम सिचुएशन से कंपेयर करें जैसे कि हिटलर की डिक्टेटरशिप फ्रेंच रेवोल्यूशन की मुनाकी एटलीस्ट उन सबसे तो बहुत ही बेटर ऑल्टरनेटिव है और हमें समझ भी आया कि क्यों बेटर है जैसे कि वो लोगों की क्वालिटी प्रमोट करती है इन्हैंसिस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंप्रूव द क्वालिटी डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड आल्सो अलाउ रूम्स टू करेक्ट इट्स मिस्टेक्स यानी कि जो भी गड़बड़ हो रही है जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब का सोल्यूशन डेमोक्रेसी हमें दे देती है बट आज हमें ये देखना है कि वैसे डेमोक्रेसी बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बोलती है बट जब उसको उसके प्रिंसिपल्स में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं बट जब उसको ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिस करा जाता है तो क्या वो अपने मुकाम पर उतरेगी या नहीं चले सो एज एज वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी बहुत सारे अदर ऑल्टरनेटिव भी हैं जैसे कि की मिलिट्री का रूल रिलीजियस लीडर्स बट कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है जब तक डेमोक्रेसी की बात ना हो पर आज हम लोगों को यह भी पता है कि बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिकलिटी उससे सेटिस्फाई नहीं होता है और हमारे पास एक डिलेमा आ जाता है कि डेमोक्रेसी को जब इतना अच्छा प्रिंसिपल में समझा जाता है तो उसको एक्चुअली में प्रैक्टिस में इतना सही क्यों नहीं समझा जाता तो ये डिलेमा हमको एक नए चैप्टर की ओर लेके जाता है दैट इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेसी आज का ही कुछ कंसेप्ट है वो बहुत ही पुराने जमे से चलता आ रहा है जहां पर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर लोग इलेक्शन टाइम से करते हैं दे हैव पार्टीज द गारंटी राइट टू देयर फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ ऑफ देम डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स सोशल ऑफिसम्सल तो हर एक देश की जो डेमोक्रेसी वो बिल्कुल अलग होती है जो कि हमें उसकी अलग अलग बातों के अलग अलग चीजों के बारे में सिखाती है अब डेमोक्रेसी में क्या अचीव हो रहा है क्या अचीव नहीं हो रहा है ये भी बहुत ही पता लगाना डिफिकल्ट है बट एटलीस्ट हम लोग अपनी डेमोक्रेसी से क्या उम्मीदें रखते हैं वो बहुत जरूरी चीज है कि डेमोक्रेसी एटलीस्ट हम लोगों को तो करती है कि वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का पूरा सोल्यूशन निकाल के आएगी और अगर नहीं निकाल के आएगी तो हम डेमोक्रेसी को ब्लेम कर सकते हैं बट ऐसे रीजन में हम लोग मनारकी को डिक्टेटरशिप को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते सो वी स्टार्ट डाउटिंग इफ यूर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी द फर्स्ट स्टेप टू वर्स थिंकिंग केयरफुल अब डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि वो एक सरकार चलाने का सिर्फ फंडा है सिंपल सी बात है वो अच्छी है बाकी सबसे ठीक है सच में अच्छी है वो तो देखना पड़ेगा और यहां तक कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सिचुएशन हमको देती है जहां पर चीज़ों को सुधारा जा सकता है और इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाएंगे उस पर्टिकुलर देश के लोग जिनको सिटीजन कहते हैं चलो कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर जो है लेते हैं डेमोक्रेसी का कुछ आर टेस्ट लेते हैं और पहला टॉपिक है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट अब डेमोक्रेसी के बारे में जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी ली हैं तो इन डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल कंट्रोल ओवर द रूलर्स तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी होती है जिसको भी चुना जाता है जो भी चुन के आ रहा है वो लोगों द्वारा ही चुना गया है और बहुत सारे लोग यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी कर पाते हैं एंड दे द मोस्ट बेसिक आउटकम शुड बी कि वो एक अकाउंटेबल सरकार बनी है यानी कि वो जो भी सरकार चुन के आए व्हाट्स एवर इज एडुकेटेड नॉट एडुकेटेड सब कुछ इन सिटीजन्स की वजह से ही हो रहा है और वो रिस्पॉन्सिव रहेंगे आपकी नीड्स को और आपकी एक्सपेक्टेशन को क्योंकि आपने ही तो चुना है आपसे भी गलती हो सकती है क्योंकि अलाउड रूम तो है ही ठीक करने को ठीक है बट बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द फर्दर सेक्शन ऑफ से चैप्टर हम लोगों को ये भी देखना होगा कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशियट होती है और या फिर इफेक्टिव होती है चलो कुछ लोगों को लगेगा कि डेमोक्रेसी तो बहुत ही कम इफेक्टिव होती है ऑफ कोर्स नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स की बात करें तो वो तो कुछ भी डिस्कशन हम लोगों से नहीं करेंगे दे डोंट हैव टू अबाउट है इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटी और पब्लिक ओपिनियन वहां पर तो सब कुछ लिया जा सकता है डिसीजन बट जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर डेमोक्रेसी डेलीबरेशन और नेगोसिएशन पर ही कम्पलीटली बेस्ड है हर एक इंसान से क्या लेना पड़ेगा ओपिनियन लेना पड़ेगा वरना लोग धरने पर चला जाएंगे बिकॉज यू हैव द राइट्स इन द डेमोक्रेटिक सिचुएशन चलिए तो इसी को एक और बार समझते हैं इमेजन अ गवर्नमेंट जो कि बहुत ही जल्दी डिसीज़न ले लें वो जल्दी डिसीजन तो ले सकती है बट मे बी सब लोगों को पसंद नहीं आया फिर दोबारा प्रॉब्लम जैसे कि अभी किसान आंदोलन के किस टाइम पे पूरा का पूरा आंदोलन हुआ था सरकार ने डिसीजन तो ले लिया बट लोगों को पसंद नहीं आए और वो सरकार को वापस लेना पड़ा डिसीजन इन कॉन्ट्रास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में समय लगेगा ताकि एक डिसीजन पर पहुंचने से पहले जैसे कि ओबीसी वाला रिजर्वेशन क्लास नाइन में जो हमने पढ़ा था पर हैप्स उसको बहुत ज्यादा प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा यू नो लोग उसको एक्सेप्ट करें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सो बन जाए वो सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दट डेमोक्रेसी पेज इस परहैप्स वेट जो डेमोक्रेसी प्राइज पे करती है परहैप्स हुट होता है ठीक है अगर हम दूसरे पहलू को देखें तो डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि डिसीजन मेकिंग रहा है आप आरटीआई लगा सकते हो आप सारी जानकारी सारे के सारे जो भी डिबेट्स लोकसभा में होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो और आपको सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा बट ये फैक्टर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते वॉट इज हैपनिंग इन चाइना

इलेक्शन हो रहे हैं फ्री फेयर इलेक्शन हो रहे हैं ओपन पब्लिक डिबेट्स हो रही है लेजिस्लेश्स में सारी चीज़ें हैं हम लोगों के पास राइट टू इफॉर्मेशन जिसको आर टी आई कहते हैं ये सारी चीज़ें बट एक्चुअल में यहाँ पर हमको थोड़ा मिक्स रिस्पॉस दिखता है डेमोक्रेसीज में बहुत ज्यादा तरीके से सक्सेसफुल नहीं है फ्री एंड फेयर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा ओपन पब्लिक डिबेट में आप लोगों को देखने को देखने मिलेंगे कि लोग अपनी अपनी रखते हैं बट फिर भी डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस बहुत बार यहाँ पर आप लोगों को फेयर चांस होते हुए नहीं देखेगी जो कि हम पॉलिटिकल पार्टी में के आ चुके हैं अब यहां पर इससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डो नॉट है वेरी गुड रिकॉर्ड वेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बहुत बार वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते पार्टी के टॉप लीडर्स के पास ही सब कुछ होता है बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि चलो वो नॉन डेमोक्रेट

जो है नहीं है वो भी अपने लोगों के लिए कोई सेंसिटिव नहीं है फिर भी डेमोक्रेसी को ही बेहतर कहा जा रहा है देर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स ऑल्टरनेटिव कि एटलीस्ट कुछ तो ऐसा है जिससे कि वो बेहतर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है एटलीस्ट कुछ बढ़िया है लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं डेमोक्रेसी स्लो हो सकती है लेस एफिशिएंट हो सकती है हमेशा रेस्पॉन्सिव या फिर क्लीन नहीं हो सकती है बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता की अपनी सरकार होती है क्योंकि हम लोग ही उनको चुनते हैं और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करा जाता है हम लोग ही वोट देने जाता है तो उनको लेजिटिमेट लीगल तरीके से चुना जाता है फिर वो पावर में आता और है और सारी चीज़ें करता है और साउथ एशिया में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है डेमोक्रेटिक रिजाइम्स को फॉलो करा है लोगों का मन है कि वो उन्हीं लोगों से रूल कराए जिनको उन्होंने चुना है दे ऑल्सो बिलीव डेमोक्रेसी सूटेबल है उनकी कंट्री के लिए और डेमोक्रेसी अपना जो सपोर्ट है खुद ही लेके आ जाती है और उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता है यानी कि बेसिकली क्या है ना कि बहुत सारे जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उनमें सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया हमको डेमोक्रेसी ही लगती है अगला हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये जो आपकी डेमोक्रेसी होती है इसमें थोड़ा सा जो है यहां पर एविडेंस यानी कि प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल भी कुछ भी बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को कंपेयर करें पिछले पचास सालों में तो डिक्टेटरशिप वाली जो कंट्रीज होती काफी आगे विकास में बढ़ चुकी हैं क्योंकि डेमोक्रेसी को क्या करना है बहुत लोगों का ध्यान रखना है और बट ये एक रीजन नहीं हो सकता कि हम डेमोक्रेसी को पीछे छोड़ दें ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बाकी सारी चीजों पर डिपेंड करता है जैसे कि कंट्री की पॉपुलेशन साइज उसकी ग्लोबल सिचुएशन उसके सहयोग कितना देश कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है? उस उस पर्टिकुलर फैक्टर्स पर किसी भी देश की इकोनॉमी डिफर करती है ना कि वहां की गवर्नमेंट कैसी है हाउ द डिफरेंस इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप कंट्रीज एंड डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज ने बट अगर हम यहां पर देखें और बाकी सारी चीजें उसमें भी हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट गारंटी नहीं करती है बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी पीछे ना रहे डेफिनेटली ऑप्शन तो है ना सब लोगों के पास ताकि वो अपने लिए अच्छा लीडर चुने और उनके लिए भी अच्छी पॉलिसीज बनाएँ सो so, हम लोग यहाँ पर डिफरेंस तो ढूंढ लेंगे बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेचर एंड डेमोकेसी इट इज स्टिल बेटर टू प्रीफर डेमोक्रेसी क्योंकि उसकी और ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम है क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सिर्फ डवेलपमेंट करने की बात आएगी तो कोई भी सरकार कर दे बट बहुत सारे लोगों के लिए यू you नो know, वो द, 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 क्या है डिस्ट्रक्टिव हो सकता है इज एंड डेवलपमेंट इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी सो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं प्रॉमिस कर दी है ठीक है चलिए हमारा टॉपिक है अगला नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ इनकालिटी एंड पोवर्टी क्या गरीबी और इन इक्वालिटी को कम कर दी है पर आपको ये समझना पड़ेगा कि चलो डेवलपमेंट तो विकास तो छोड़ो एटलीस्ट इकोनॉमिक यानी कि जो पैसों पूरा कमी है उसको तो, तो थोड़ा ठीक करे कैसे कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और अभी तक हम लोग यहां पर गरीब होते जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपस में गरीब और अमीर में डिवाइड हो रहे हैं डेमोक्रेसी बेस है पॉलिटिकल इक्वालिटी पे ना कि इकोनॉमिक इक्वालिटी आपको पॉलिटिकल राइट्स होते हैं कि आप अपने लीडर को अच्छे से चुनिए उसको पूरा सोच समझ के यहाँ पर इलेक्शन में जाइए उसको उसके बारे में चीजें समझिए ताकि आप अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुनो पैल टू दैट ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इन टू वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इन इक्वालिटी तो एक चीज ये है कि अमीर लोग बहुत ज्यादा आते हैं पॉलिटिक्स में जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा टॉप लीडर हैं जो अपनी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुली यू you नो know, एक रोल प्ले करते हैं जैसे कि अल्ट्रा रिच हैं वो लोग कम हैं बट उनकी वेल्थ और इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी सारी के सारी टोटल इनकम शेयर भी नहीं करेंगे किसी से क्योंकि डेमोक्रेसी आपको ये अधिकार थोड़ी देती कि अंबानी जी का पैसा हमारे अकाउंट में डाल दो इट तो ये सारे जो लोग हैं इनको बाकी सारे यू you नो know, लोगों पर डिपेंड होना पड़ता है बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने पुराने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं तो पीपल इन पुअर कंट्रीज एक्चुअली हैव टू सफ़र और डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक इन भी प्रॉमिस नहीं करती है फिर हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी क्या सोशल डाइवर्सिटी प्रॉमिस करती है हमारी डेमोक्रेसी चलो डेमोक्रेसी डेफिनेटली हारमोनियस है पीसफुल है वो फेयर एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को यहां पर अपनी समाज में इज्जत मिले शांति का एक जिंदगी मिले ये नहीं कि भाई आपके दरवाजा तोड़कर आज कोई भी घुस गया है ताकि हम लोगों को क्या है थोड़ा तो कुछ तो डेमोक्रेसी अच्छा दे ताकि सबसे बाकी से अच्छा बन सके तो डेफिनेटली यहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे डेवलप प्रोसीजर्स करे जाते हैं ताकि लोग अलग अलग लेवल

No, मतलब, टिक और ये हम लोगों को श्रीलंका के एग्जाम्पल से भी सीखने को मिला कि कैसे मेजोरिटी सब कुछ नहीं होना चाहिए मेजोरिटी को भी माइनोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए वर्णा माइनॉरिटी दंगे वसाद करने लग जाएगी और हमें मेजोरिटी और माइनॉरिटी को हमेशा भी नहीं समझना चाहिए इट इज ऑल्सो ने की जो मेजोरिटी है वो उसका ही उसी के धर्म के उसी के जाति के लोग ना रहे बल्कि मिक्स रहे सारे लोग अलग अलग धर्म और जाति से आए और ये हम देख चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो सरकार बनाई जाती है एटलीस्ट इंडिया में तो कभी भी किसी एक रिलीजन बेस पर नहीं बनाई जाती है अलग, अलग अलग ग्रुप से अलग अलग, अलग कास्ट से लोग आते हैं और अपनी मेजोरिटी फॉर्म करते हैं तो डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज हैजक्वल चांस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ समन इज बार्ट फ्रॉम बींग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप तो उसके लिए वो क्या है वो बिल्कुल भी अकोमोडेटिव नहीं है बट ऐसा डेफिनेटली हमारे इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं होता है तो so, ये वाले अकोमोडेशन वाले सेक्शन में डेमोक्रेसी को मिलती है बहुत बड़ी हाँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन क्या हमारी डेमोक्रेसी डिग्निटी और सिटीजन का जो पूरा का पूरा फ्रीडम होता है वो प्रॉमिस करती है डेफिनेटली डेमोक्रेसी इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में तो सबसे ऊपर है लोगों को डिग्निटी फ्रीडम देती है एवरी इंडिविजुअल उसको जो करना है अपने जिसके भी साथ रहना है उस वो उसको रिस्पेक्ट से बात करेगा उसके साथ वो उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है एक दूसरे के बीच में बट बच्चों लोग उनको विद रिस्पेक्ट समझाया जा सकता है और दूसरे एक दूसरे के डिफरेंस को भी रिस्पेक्टफुली लिया जा सकता है हमारा जो पैशन है रिस्पेक्ट और डेमोक्रेसी का वो सारा देखा जा सकता है डेमोक्रेसीज थ्रू आउट वर्ल्ड हैव रिक्नाइज एटलीस्ट इन प्रिंसिपल दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज फॉर सोसायटी विच बेसिस ऑफ कबॉर्डिनेशन डोमिनेशन इट इज नॉट सिंपल मैटर टू रिकॉनाइज ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल डेफिनेटली डेमोक्रेसी में जहाँ पर लोगों को सही नहीं सब लोगों को इक्वल नहीं समझाया जा समझा जाता जा जा था जैसे कि मैन एंड वुमेन मेजरली जो कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट सब चीज़ में देख देखा है तो डेमोक्रेसी ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा कि जो महिलाएं जिनको बहुत ही पीछे समझा जाता जा था जिनको ज़्यादा इक्वालिटी uh, में नहीं लिया जाता था उनके लिए भी ऐसी चीज़ें कंसिडर करी गई जहाँ पर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ होती थी महिलाओं ने काफ़ी समय तक अपने लिए इक्वल ट्रीटमेंट की बात करी और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ही पॉसिबल है बट जरूरी नहीं है कि वेमेन को हमेशा इक्वल रिस्पेक्ट मिले तो प्रिंसिपल की जब बात आती है तो तब अगर हम लीगली यहां पर उनको कुछ अधिकार दे देते हैं तो फिर वो मॉरली और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है बट नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया गया है जहां पर इंडिविजुअल की फ्रीडम और उसकी डिग्निटी को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है और इंडिया में ऐसा सेम कास्ट एंड में भी होता है डेमोक्रेसी ने स्ट्रेंथ करी कास्ट एंड इक्वालिटी जहां पर हमने लीगल प्रोटेक्शन दिया है ताकि सब लोग फ्रीडम और इक्वालिटी से रह सके अभी भी हमारे यहां पर इनइक्वालिटी रिलेटेड टू कास्ट एंड एट्रोसिटीज़ रिलेटेड टू होती हैं, रिलेटेड टू कास्ट होती हैं, बट दीज लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन बट बहुत बार वो झूठी होती हैं. पर हैप्स इट इज अ रिकोगनाइजेशन दैट ऑर्डनरी वैल्यू देर डेमोक्रेटिक राइट बट एटलीस्ट लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जानकारी तो है, so basically, expectations जो हमारी democracy से है वो हमारा एक क्राइटीरिया है जज करने का हमारी हर रोज नई एक्सपेक्टेशन लीडर नहीं expectations कि ये, leader ने ये सही नहीं करा हमारे उसको इलेक्ट करने के बाद भी हमें उसमें कमियां नजर आती हैं जो कि अगेन वट इज मोस्ट डिस्टिंगटिक अबाउट डेमोक्रेसीज दैट इट्स एग्जामिनेशन डेमोक्रेस डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता है उसका हर रोज एग्जाम चल रहा होता है जैसे वो एक टेस्ट में पास होती है अगला टेस्ट अगले ही दिन देना पड़ता है और उसके बेनिफिट जब मिलते रहते तो लोगों को और बेहतर और बेहतर और बेहतर चाहिए होता है एंड दैट इज हाउ पीपल लव डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है और वो कैसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इतनी सारी कंप्लेन के बाद भी आपको देती है

बिलीव कि उनका वोट डिफरेंस करता है और उनकी सरकार उनके देश में कैसे चलेगी उनका बहुत बड़ा ओपिनियन रहेगा सो दैट मीन ऑल ऑफ द दर टूडे बहुत ही छोटा सा क्रिस्ट चैप्टर क्वेश्चन से बहुत ही फैक्चुअल बेस नहीं आएंगे बल्कि थोरेटिकल आएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से करना ठीक है सो थैंक यू सो मच एवरी नेक्स्ट क्लास बाय टेक केयर